So finally we are here. Okay. इनके पास जो है वो ड्रिंक्स हैं। ओके सो आई एम गोइंग। स्टिक हमने ले ली है ये स्टिक, मगर ये वापसी में चाहिए होगी, पर अभी जो है कोशिश करते हैं चढ़ने की। टाइम हुआ है इस वक्त 5:45, मेरे ख्याल से 5 मिनट्स ऑलरेडी हो गए थे, और अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। अभी तो रहना हो गए, और हमने तकरीबन आधा रास्ता क्रॉस कर लिया है। वापस हमारा थोड़ा सा सफर रह गया है, नॉन स्टॉप चल रहा है। We don't want to do arrest. So, थोड़ा सा रास्ता और रह गया है। This is just for the support. लेकिन वापसी में इसकी स्टिक की ज़रूरत होगी, अभी इतनी नहीं होगी। Hey baby, hi. All right. So. ऊपर बस स्टॉप आने वाला है किनारे कॉर्नर पे। इट्स जस्ट फॉर द फ्रेश एयर ब्रीदिंग के लिए, बट अगेन आई एम नॉट स्टॉपिंग माई सेल्फ। और मैं बताती हूँ कि कितने टाइम में मैं जो हूँ वो समिट को कंप्लीट करती हूँ। ओके नाउ वी नीड टू रन। आई वांट माई सेल्फ के मैं दूसरे लोगों से पहले पहुँच जाऊँ। Let's try. कहाँ से जाऊँ, यहाँ या यहाँ? नाम क्या है भाई आपका? मेरा नाम आसिफ। आसिफ जो है हमें गाइड कर रहे हैं। सो ईदर टू गो बाय राइट साइड और बाय अनदर साइड। कौन सा नाम? ऑलमोस्ट हम टॉप पे पहुंच गए। लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम दिस। बहुत फिटिंग एंड आल्सो सेम लाइक हियर। ये किस चक्कर में खुश हो रहे हैं? चलो ये पहुंच गए भाई हम मीसम। फाइनली हम पहुंच गए हैं, फाइनली बस 1 मिनट लेफ्ट। ओके फाइनली पहुंच गए।
मैं आ गई. सो अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग. सॉरी रात हो गई है. हाइकिंग कर करके मुझे शाम सुबह लग रही है. बट एनी वे आई एम सेइंग हाई टू माई फ्रेंड्स. हम पहुंच गए हैं फाइनली. अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं. और थैंक यू आसिफ ने हमें रास्ते समझाए. यहाँ से नहीं तो यहाँ से जाया जाए. Now it's 6:33 और हम जो हैं वो 6:27 पे पहुँच चुके थे. मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मुझे टाइम नोट करना पता ही नहीं चला. तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये तकरीबन एक घंटे से पहले पहले पहुँचे हैं. आई थिंक सो. अब ये देखें माउंटेन के बिल्कुल ऊपर ये हमारा गेस्ट हाउस. हमारा ये गुल पैलेस के नाम से गेस्ट हाउस है. एंड वी आर जस्ट अबाउट टू गो इनसाइड द रूम. अगेन माशाल्लाह से ये नेचर की इतनी ब्यूटी माउंटेन के ऊपर. कश्मीर वाकई बहुत खूबसूरत है. और कश्मीर का एक एक जितने भी हम आपको जगहें दिखा रहे हैं वो वाकई बहुत खूबसूरत हैं. अरे ये देखिए ये हमारा रूम है ऊपर. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू हैशटैग हम सफर. और मैं हूं निदा. और मैं हूं हसनैन. और वी आर वेलकमिंग यू फ्रॉम वेयर हसनैन. अरंकेल. यस. और हम टाइम से पहले पहुंच गए. बड़ी बात है. अब हम आपको घुमाते हैं सैर कराते हैं अरंकेल की. ये दो बोल लेगा. ऑलराइट. चश्मा है. हमारे दोस्त जो हैं वो इस वक्त कैंप में बैठ चुके हैं और हम यहाँ पे बसेरा करेंगे इस कैंप में थोड़ी देर के लिए. ओह माय गुडनेस दिस इज जस्ट सच अ वाओ व्यू. ये था हमारा अरंकेल तक का सफर और मॉर्निंग व्यूज में आपको दिखाऊंगी आज. और इसके बाद हम डिनर करके मेरे ख्याल से सो जाएंगे. अच्छा मैं इस दफा इतनी टायर्ड नहीं हुई हाइकिंग पे. इट वॉज ईजी. मैंने आपको टाइमिंग भी नोट करवाई. और यहाँ विंडो से जरा व्यू चेक करें आप. वाओ सुपर अमेजिंग. Oh ho, you're here. What are you doing here? मैं कोई मूवी का गाना याद कर रही हूँ. मतलब ये फिल्मी सीन लग रहा है ना. It's not a reality. It's a dream. I'm dreaming. Show them the view. Like सारी तरफ के व्यू दिखाइए जरा. #हमसफर से. अस्सलाम वालेकुम जनाब. तो हमारी चाय जो है वो बन रही है. अच्छा इधर ये हमारी चाय. ओहो दिल के अंदर हमें छोटा दिल भी मिला है बड़ा दिल भी मिला है पकोड़ों समेत. कैसे हैं हसनैन पकोड़े? गुड ग्रेट. लेट्स जस्ट ट्राई वन पकोड़ा. बेटा आपस की बात है इस वेदर में इस जगह पे जैसे भी पकोड़े हो अच्छे लगने खा के देखते हैं. मौसम है ना मजे का मौसम.
मज़ेदार, लाइक केएफसी के वो लग रहे हैं नगेट्स, बहुत अच्छे हैं, मगर उसके लिए आपको अड़ंगखेल आना पड़ेगा। अड़ंगखेल के पकोड़े, और ये हमने यहाँ से लिए गुल रिफ्रेशमेंट सेंटर से। कपड़ा बांधा हुआ सर पे जी सर, ठीक है। राम जाने के सर को उतार दे, राम जाने दुकान कहते हैं लोग मुझे, है ना, ऐसे ही है ना, देखा तुम, देखा है ना वो। अच्छा, खाने का ऑर्डर जो है वो दो घंटे पहले, हसनैन दो घंटे पहले करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है मोहब्बत जल्दी ले आएगा बना। हाँ, बट हम इतने भी भूख नहीं लगी हुई हमें, है ना। एक काम करते, दो दाल चावल मंगाते हैं। और आए लोग अभी पहुँचे हैं हाइकिंग करके रात को। यहाँ पे देखिए कितना रश है, आई थिंक ये वीकेंड है। तो पीछे आपको ये कैंप्स नज़र आ रहे होंगे और लोगों ने जो है वो आना शुरू कर दिया। मैं तो हैरान हूँ कि इस टाइम पे भी लोग हाइकिंग करके इस वक्त पहुँच रहे हैं, राइट। एक मेले जैसा समय है यहाँ पे, ऐसा मेला लगा हुआ है। यस, तो इतना फुल ऑन सीन लोग इस टाइम आ रहे हैं हाइकिंग कर कर के, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अड़ंगखेल के ऊपर, लाइक माउंटेन के ऊपर, इतना ज़्यादा रश है। लाइक क्या लगा हुआ है, सैन ने अभी बताया कि मेले का समा हो रहा है। यस, और मे भी ये वीकेंड की वजह से बहुत ज़्यादा रश है। बिल्कुल ऐसा ही है, वीकेंड की वजह से रश है, लेकिन लोग यहाँ पर आते इसलिए हैं क्योंकि यहाँ आने के काफ़ी जतन करने पड़ते हैं। डोली का वेट करना पड़ता है, फिर आपको 45-50-60 मिनट की हाइकिंग है। और डोली क्या है, वो जो हम मजाक में कह रही थी, डोली आएगी लेके जाएगी चेयर लिफ्ट जिसे कहते हैं, क्योंकि ये डोली का वर्ड मैंने यहाँ के लोकल से सुना तो मेरे मुँह पर भी चढ़ गया है। मैंने अभी चेयर लिफ्ट, हाँ सब कहते हैं डोली डोली, तो इसीलिए मैंने बोला चंदा की डोली नहीं समझिएगा आप। अच्छा, ओके। सुभान अल्लाह, कि अभी आपने जो है इन पहाड़ों पे अजान की आवाज़ सुनी, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत था वो मोमेंट था। एक मैंने शारदा में सुनी थी और एक मैंने अड़ंगखेल पे इशा की अजान सुनी है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। हम अभी जा रहे हैं किचन में, जहाँ पे हमने दाल चावल जो है ना स्पेशल वाले ऑर्डर किए हैं, और देखते हैं किचन इनका कैसा है। ये इनका किचन है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमारा खाना ऑर्डर हुआ हुआ है, दाल चावल स्पेशल वाले, तो देखते हैं कि यहाँ कैसा, किस तरीके से ये लोग बना रहे हैं। ये क्या चीज बनी है? ये लोबिया है। ये चूल्हा भी कोई इनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ये कितने घंटे जलता रहता है? ये 24 घंटे। 24 घंटे जलता रहता है, जबरदस्त। अच्छा, कितनी खूबसूरत तरीके से ये बर्तन लगाए हैं, जबरदस्त। सफाई भी है, अच्छी सफाई है। हाँ, बहुत सफाई है। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं भाई दाल चावल इनके किस तरह से पकेंगे, हम फिर खा के बताएंगे। हम जरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, फिर दाल चावल ट्राई करेंगे। स्पाइसी, थैंक यू। ये है यहाँ के रवायती दाल चावल, तो बहुत अच्छी खुशबू है, और अभी हमारे जो साथ थे उन्होंने बताया कि बहुत मज़े का बना है। Okay then, good night, we will see you tomorrow morning, bye.